प्रेम का प्रकाश आत्मा का दर्पण है। प्रकाश मुझे खुद को जैसे भी मैं हूं वैसा ही देखने की और खुद को प्रेम करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हमारा शरीर बस एक परिणाम मात्र है। और दीक्षार्थी या इनिशिएट के लिए आंतरिक सुंदरता जीवन का एक बस सिद्धांत ही बन जाती है। बाहरी सुंदरता कभी कभी भ्रम मात्र है। इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि यह या तो मानवता को प्रेरित और उन्नत करने का काम कर सकती है या उसके पतन का कारण भी बन सकती है। उसे नीचे भी ला सकती है। प्रसिद्धि, भाग्य, यश इनके लिए भी यही है, क्योंकि प्रतिभाएं और उपलब्धियों द्वारा प्राप्ति सभी महान जिम्मेदारियां हैं, ताकत के हिस्से हैं, जिनका उपयोग सही किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी आत्मा इनके नकारात्मक पक्ष का प्रयोग करती है तो ये कुरूप हो जाते हैं, और ऐसा जन्मों का निर्माण करते हैं जहां शारीरिक सुंदरता, भाग्य, यश और स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं और मायूसी उत्पन्न हो जाती है। मैं चेतना के एंजेलिक क्षेत्र लेला हेल से जुड़ी हूं, एंजेलिक सील नंबर 6 के वाहक। लेला हेल में दिव्य प्रकाश की शक्ति है जो सब कुछ ठीक कर देती है, स्वस्थ कर देती है। यह एंजल ऐसी साफ और स्पष्ट समझ देते हैं जिससे हम मास्क और बहु व्यक्तित्वों के पीछे रूपों को देख पाते हैं। जितना अधिक हम प्रबुद्ध या इवॉल्व होते हैं उतना अधिक हम जानने लगते हैं कि धन और शक्ति ये ऐसी ताकतें हैं जो सकारात्मक होने के साथ साथ नकारात्मक भी हो सकती हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को भाग्य या धन की प्राप्ति हो सकती है, और अगर यह उसकी नियति में अंतकरण अन्य आयामों पर कार्यों द्वारा हो जाए तो वह एक नए समाज का निर्देशक बन जाएगा, और इस तरह न केवल सांसारिक स्तर पर बल्कि समानांतर लोक की
श्रेष्ठ चेतना द्वारा भी उसके कार्यों को सराहा जाएगा। बाकी ध्यान के लिए मैं एक दर्पण के सामने ध्यान करूंगी। खुली आंखों से अपने शरीर को स्वीकार करने के कार्य के लिए, शरीर जो मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए मुझे प्राप्त हुआ है, जो मेरी ताकत और कमजोरियों की प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक छवि को दर्शाता है। यही मैं आंखें बंद करके आंतरिक दर्पण द्वारा भी करूंगी। यह मेरी अंतरात्मा के उन हिस्सों को दिखाएगा जो या तो मेरी ताकतें हैं या कमजोरियां। इस दार्शनिक ध्यान के दौरान मैं एंजल लेला हेल से कहूंगी, मुझे मेरे भौतिक शरीर को स्वीकारने में मेरी मदद करें, मेरे ही प्रत्यक्ष पहलू रूप में स्वीकार करने में सहायता करें और स्वयं के अन्य भागों को खोजने और उनको स्वीकार करने में भी मेरी सहायता करें। एकाग्रता से एंजल लेला हल्का आवाहन करते हुए मैं दिव्य प्रकाश का आवाहन करती हूँ, जो सब कुछ ठीक स्वस्थ करती है।
को जाने और आप ब्रह्मांड को जान जाए।